Excuse me. Is Nayantara Pratap Singh kaunse room mein? Thanks. डॉक्टर साहब, मेरी पाँव में चाची कैसी है? मेरा मतलब है मिसेस नयनतारा और मिसेस पन्ना। देखिए, मिसेस पन्ना के हाथ पाँव पर चोट आई है, उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं। हाँ, मिसेस नयनतारा के सर पर काफी चोट लगी है। इनफैक्ट घाव गहरा होता तो उनकी जिंदगी खतरे में आ सकती थी। शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर साहब, हाँ, सिर्फ मिसेस पन्ना से मिसेस नयनतारा के घाव पर पट्टी बांधी जा रही है। थैंक यू। पन्ना चाची, थैंक गॉड आप ठीक हैं। देव, देव बेटा, भाभी कैसी है? चाची, डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है, बट आप बताइए आप कैसी हैं? आप भले ही ठीक, पर मॉम के साथ के बिना आप मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर सकती, और मॉम तो फिलहाल चलने फिरने के लायक भी नहीं। सिद्ध बाबा के दर्शन करने जाना तो बहुत दूर की बात है। चाची, ये सब हुआ कैसे? देव बेटा, क्या बताऊं, हमारी गाड़ी जा रही थी और अचानक पीछे से एक ट्रक आया। देव, तुम भी क्या फिजूल की बातें लेकर बैठ गए हो? पन्ना चाची और मॉम ठीक है, हमें और क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ अमीशा जी, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ, ऋषिकेश से। मिस्टर वीर की हालत बहुत ही खराब है और वो अजीब तरह का बर्ताव भी कर रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। मॉम तो कहीं नहीं जा सकती, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं खुद जाकर वीर को संभाल लूं। ठीक है, मैं अगली फ्लाइट लेकर ऋषिकेश पहुंचती हूँ। ऋषिकेश के आश्रम से फोन था, वीर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। पर भाभी, आप अकेले कैसे जाएंगे? पर वैसे भी वीर भाई। नहीं देव, मॉम और पन्ना चाची का ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए ना। तुम यहीं रुको, आई विल मैनेज। हाँ देव, जब भाभी की आंख खुलेगी तो उनको सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना होगा। अमीशा बेटा, तुम जाओ और वहां पहुंचते ही हमें फोन कर देना। जी, आई विल केयर फॉर यू। करण भाई। हाँ भाई। माँ और पन्ना चाची की तबीयत कैसी है? नहीं भाई, वीरो ना तो बड़ी, चाची और मॉम दोनों का इलाज चल रहा है, दे बोथ आर फाइन। ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन पहुँचने में एक दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं भाई, और हाँ, आप चाचा जी को भी कह दीजिएगा कि दोनों बिल्कुल ठीक है। ओके मिस्टर देव, अब आप जाकर अपनी माँ से मिल सकते। थैंक्स चाचा, आप आराम करिए। मैं सिस्टर, मुझे भी जाकर भाभी से मिलना है, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मॉम। देव बेटा। आराम से मॉम। मॉम, अगर आपको कहीं कुछ हो जाता तो। भाभी, 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 भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे थे? दरअसल सारी गलती मेरी थी। मैंने किसी से महाबलेश्वर के एक मंदिर के बारे में सुना था और मैंने ही भाभी से जिद की थी वहां चलने की। आंटी, आप ठीक तो है ना?
वो तो बुआ ने घर पर आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया तो पता लगा। चिंता मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज लेट जाइए। नहीं बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओ बहन जी, ठीक तो कह रही है, क्यों बेटा? जी माँ, मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए। आराम से आइए। चलो, मेरी ना सही पर आपने अपने बेटे की तो बात मान ली। काजल बेटा, तुम मेरे लिए उतने ही अपने हो जितना कि देव। हेलो मिसेस नैनतारा, अब कैसे फील हो रहा है? पहले से बेहतर डॉक्टर साहब। देख बेटा, मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह सकती हूँ, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। प्लीज बेटा, मैं घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या मैं घर जा सकती हूँ? नैनतारा जी, अगर आप घर जाना चाहती हैं तो इसके लिए आपको देखभाल की जरूरत है। हर वक्त किसी एक औरत को आपके साथ रहना जरूरी है। करण भैया और नंदिनी भाभी तो है नहीं, और हमेशा वो अपने डैड से मिलने गई। वो टूटे ढोल, आप क्यों परेशान हो रही है? काजल है ना, वो देखभाल करेगी आपकी। लेकिन बहन जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि काजल बेटा अपना काम छोड़े। अरे बहन जी, जब तक जिंदगी है तब तक तो काम लगा ही रहेगा। अब कोई इंसान दूसरे की जिंदगी के काम आ सके तो उससे बड़ी कमाई और क्या हो सकती है? काजल को अपने बड़ों की सेवा करने का मौका दीजिए। पापा ठीक कह रहे हैं आंटी, और आपकी देखभाल करके मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? काजल बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मुझे कोई एतराज नहीं। यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको तो जाके आराम करना चाहिए। हाँ, अभी जाती हूँ। काजल भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने गई है, बस उसका इंतजार कर रही थी। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ओके, सर को कहीं देखा है? वो अभी अभी अपने कमरे में गया है, कुछ काम था। नहीं, वो एक्चुअली नैनतारा आंटी को एक बहुत जरूरी फोन कॉल करनी थी और उनका फोन देव सर के पास है शायद। आंटी, पता नहीं क्यों पर आंटी काफी परेशान सी लग रही हैं। खैर, मैं देव सर से अभी उनका फोन लेकर आती हूँ। भाभी की उलझन में अच्छी तरह समझती हूँ। उनके दिल को तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक उन्हें सिद्ध बाबा से देव के भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिल जाते।
काजल। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं आंटी का फोन लेने आई थी, उठा ही रही थी और I'll manage that. Okay, Kaajal, I'm sorry मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात करी। एक मिनट काजल, मॉम ने तुमसे ये मंगवाया था? कागज के इस टुकड़े ने मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। करना नहीं देव, भूल कर भी ऐसा ख्याल अपने दिल में मत लाओ। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, इन सब में अभी भी काजल की कोई जगह नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। बादल नहीं है और चांद भी पूरा है, पूरा आसमान तारों से जगमगा रहा है। कभी कभी लगता है इन पलों को बस अपनी पलकों में कैद कर लूं। बाकी कुछ पल इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको तारे पसंद है? Of course. बचपन में पापा कहा करते थे कि जब हमारा अपना कोई हमें छोड़कर चला जाता है ना, तो दूर वहां तारा बन जाता है और फिर हर पल हमें वहीं से देखता रहता है। जैसे मामा, वो आज भी हमें वहीं से देखती रहती है। कुछ दिनों बाद मैं भी वहीं होऊंगा और वहां से हर पल तुम्हें। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना के ला लूं। अभी आता हूं।
काजल जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा। चाची, रामू कहाँ है? उन्हें मैंने आंटी के लिए फ्रूट्स लाने के लिए भेजा है। कुछ काम था? हाँ, वो चाय पीने का मन कर रहा था तो मैं बना देती हूँ। तब तक आप ये दवाइयाँ मॉम के लिए ले आइए प्लीज। काजल, मैं दवाइयाँ दे आऊंगा, पहले चाय। पहले दवाइयाँ फिर चाय। पहले चाय फिर दवाइयाँ। जरूरी क्या है? दवाइयाँ तो पहले दवाइयाँ फिर चाय। पहले दवाइयाँ फिर चाय। चाय, ओके। आप कुछ लेंगी? हाय चाची, आप कैसी हैं? ठीक तो हैं? देव ने बताया कि आपने एक्सीडेंट हो गया है। Are you okay? हाँ, अब काफी ठीक हूँ। वैसे भी कल से काजल ने मेरी और भाभी की इतनी देखभाल की है कि हमें तो किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू काजल, तुमने चाची और नयनतारा मॉम का ख्याल रखा। थैंक्स। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं चाय बनाने जा रही थी, आप लेंगे? Sure, why not? मैं भी आती हूँ। मैं नयनतारा मॉम से मिलकर आता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। संभाल के। थैंक्स। व्हाट? वो कल आपने जो भुट्टे भिजवाए थे उसके लिए। माय प्लेजर। ऐसे आपको इंडियन म्यूजिक पसंद है? क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि आप पूरा दिन तो काम में बिजी रहते होंगे, तो वक्त ही कहाँ मिलता होगा सुनने का। मैं काम कहाँ करता हूँ, मेरा बिजनेस अपने आप ही चलता है। तो फिर आप करते क्या है? मैं भटकता रहता हूँ, सुकून की तलाश में, अपनी जिंदगी की तलाश में। आप तो शायर बन गए हैं। मेरी बात मानिए, अपने लिए कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुकून भी मिल जाएगा और शायरी भी छूट जाएगी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं शादी कर लूँ? राय, बिल्कुल। शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, वो मान जाए तो मैं कल ही शादी कर लूँ। जल्दी से जाकर लड़की से बात कर लीजिए, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगर पूछने में देर हो जाए तो रिश्तों के मायने ही बदल जाते हैं। मैं उतारता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं।